गाइस हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। आप सोच रहे हैं कि मैं विदाउट मेकअप आज क्या कर रही हूँ? जी हाँ, आज है स्किन केयर वीडियो। समर्स आर हियर एंड समर सीजन में हम स्किन टैनिंग का प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्किन डलनेस हो जाती है, स्किन में कोई ग्लो नहीं रहता और स्वेटिंग, कॉन्स्टेंट स्वेटिंग की वजह से ना स्किन काफी ज्यादा एजेड लगने लगती है। स्किन को थोड़ा सा पैम्पर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे 15 दिन में एक बार फेशियल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सैलॉन स्टाइल फेशियल मैं घर पर करती हूँ। मैं सैलॉन, अभी जो सिचुएशन है इसमें मैं सैलॉन जाना आप सबको नहीं रेकमेंड करूंगी, इट्स नॉट एट ऑल सेफ। अगर आप वही सेम सैलॉन जैसा रिजल्ट घर पे पा सकते हैं, सेम प्रोडक्ट्स अगर घर पे आप यूज कर सकते हैं वो भी सैलॉन से काफी ज्यादा अफोर्डेबल वे में, तो क्यों आप सैलॉन जाएंगे, राइट? मैं जो जितने भी पार्लर में मैं जाती हूँ ना, वहां पर मैंने देखा है ज्यादा से ज्यादा पार्लर्स में चेरल्स कॉस्मेटिक्स की जो फेशियल किट है वो प्रोडक्ट्स वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं करने वाली हूँ ये चेरल्स कॉस्मेटिक्स का ऑक्सीब्लास्ट ऑक्सीजन एनर्जाइजिंग फेशियल किट, जो कि 15,000 से भी ज्यादा सैलॉन्स में इस ऑक्सीजन फेशियल किट को इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसके अंदर है 7 स्टेप्स। अगर आप इस 7 स्टेप्स को जिस तरीके से मैं दिखाऊंगी अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू आर गोना गेट सैलॉन स्टाइल रिजल्ट एट होम। एंड ये जो फेशियल किट है दिस रिटेल्स फॉर ओनली 300 रुपीज, वन टाइम यूज के लिए है। जैसे सैशे है इसमें, तो सैशे आप पूरा इस्तेमाल कर लोगे, उसके बाद जस्ट थ्रो अवे। सो या आई विल बी डूइंग दिस फेशियल राइट नाउ और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप लोगों को मैं बिफोर एंड आफ्टर भी दिखाऊंगी, सो दिस इज माय बिफोर, यू कैन सी। सो अब चलिए मेरा जो फेशियल रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं। चेरल्स कॉस्मेटिक्स का ये जो ऑक्सीब्लास्ट ऑक्सीजन एनर्जाइजिंग फेशियल किट है, इसमें 7 स्टेप्स है जो कि स्किन से लॉस्ट ऑक्सीजन को रिप्लेनिश करता है और एपिडर्मिस जो लेयर है उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और काफ़ी ज़्यादा स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। तो जो सबसे पहला स्टेप है, दैट इज स्टेप 1, जो कि है ये क्लेंजिंग जेल जो pH बैलेंस्ड है। इसे पहले आपको अपने होल फेस पर अप्लाई करना है और फिर थोड़ा सा मसाज कीजिए सर्कुलर मूवमेंट में, एंड देन वाइप ऑफ विथ डैम्प कॉटन, जैसे मैं इस यहाँ पर दिखा रही हूँ। मैं एक फेशियल वाइप से इसे मैं वाइप कर रही हूँ एंड यू कैन सी इंस्टेंटली मेरे फेस पर एक ब्राइटनेस आ गई है। स्टेप 2 इज दिस ऑक्सीब्लास्ट डीप पील, ये एक्सफोलिएशन के लिए काफ़ी अच्छा है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है। होल फेस पर आप इसे अप्लाई कीजिए एंड नेक पर भी अप्लाई कीजिए। 2 मिनट्स आपको विथ स्टीम इसे मसाज करना है एंड 3 मिनट्स विदाउट स्टीम। तो मैंने ऑलरेडी स्टीम लिया है, स्टीम में मैंने 2 मिनट्स इसे मसाज कर लिया है एंड देन आई एम मसाजिंग दिस विदाउट स्टीम फॉर 3 मिनट्स। और फिर आपको इसे नेक में भी इवनली इस तरीके से मसाज करना है। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो सैशे है ना, ये इनफ है 1 पर्सन के लिए, 1 टाइम यूज के लिए। नेक्स्ट आपको एक वाइप के साथ, क्लीन वाइप के साथ इसे अच्छे से रिमूव करना है एंड रिमूव करने के साथ साथ ही स्टीम लेने की वजह से एक खूबसूरत सा ग्लो मेरे फेस पर आप लोग देख सकते हैं। स्टेप 3 इज दिस ऑक्सीब्लास्ट स्किन ऑक्सीजनेटर, जो क्लिनजिंग के बाद इस्तेमाल किया जाता है। ये लोशन फॉर्म में है और ये फ्रेश फील, जब मैंने इसे अप्लाई किया इंस्टेंटली मुझे फ्रेश फील होने लगा। नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 4, विच इज़ रिजुविनेटिंग सीरम। ये सीरम ना बहुत अच्छा लगा मुझे, ये हेल्प करता है मॉइस्चराइज करने में, स्किन को फर्म बनाने के लिए। इसके अंदर बिसाबोलॉल ऑलिव लीफ एक्सट्रैक्ट भी है, विच इज़ रियली गुड फॉर आवर स्किन। नेक्स्ट इज स्टेप 5। स्टेप 5 है ये डीप पेनिट्रेटिंग मास्क। ये मास्क मुझे काफ़ी ज़्यादा क्रीम बेस्ड मास्क लगा, जो स्किन टोन को इम्प्रूव करता है, स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बिकॉज इसके अंदर विटामिन ई है। तो इसे 10-15 मिनट्स के लिए लीव कीजिए, उसके बाद इस तरीके के डैम्प वाइप के साथ रिमूव कर लीजिए। नेक्स्ट इज स्टेप 6, विच इज दिस एनर्जाइजिंग क्रीम। ये नरिश करता है स्किन को एंड रेडियंट बनाता है। जेंटल अमाउंट लीजिए और उसे अपने होल फेस एंड नेक पर अप्लाई कीजिए। जेंटली मसाज कीजिए फिंगर टिप्स से और लाइटली अपवर्ड स्ट्रोक में मसाज कीजिए। आप चाहते हैं तो थोड़ा सा वाटर या फिर फ्रूट जूस के साथ भी ये मसाज कर सकते हैं। मसाजिंग इज रियली इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ फेशियल, उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से स्किन काफ़ी
बहुत क्लियर एंड ग्लोइंग होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एक जेड रोलर से मैंने मसाज किया है, क्योंकि मुझे इस तरीके का रोलर्स बहुत अच्छा लगता है, बहुत कामिंग एंड सूदिंग होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप ऑफ दिस फेशियल इज रेडियंस मास्क, जो कि स्किन को टाइटन करने में और ब्राइटन करने में काफ़ी अच्छा एक मास्क है। इसके अंदर है एलोवेरा, कनाडियन विलो हर्ब है। तो आपको इसे एंटायर साशे को अपनी होल फेस एंड नेक पर इवनली, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ, आपको लगाना है एंड देन जस्ट वेट फॉर 8 to 10 minutes। सो एवरीवन कैन यूज दिस फेशियल किट, मेन वीमेन सभी इस फेशियल किट को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है एंड काफ़ी अच्छे से इंस्टेंटली फेस पर रेडियंस प्रोवाइड करता है, फेस को ग्लोइंग बनाता है एंड दिस इज़ रियली अफोर्डेबल। वन टाइम यूज़ के लिए तो ये एकदम बेस्ट रहेगा, आप कोई स्पेशल डे से पहले इस फेशियल को यूज़ कर सकते हैं। सो 10 टू 15 मिनट्स के बाद जब ये सेमी ड्राई हो जाता है, तब आप इसे कोई डैम्प कॉटन से या फिर इस तरीके का फेशियल वाइप के साथ आप इसे रिमूव कर सकते हैं एंड रिमूव करने के साथ इंस्टेंटली यू कैन नोटिस कि मेरे फेस, मेरी चीक्स काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो रही है और एक अलग सा रेडियंस भी है फेस पर। नेक्स्ट आपको अप्लाई करना है ये O2C2 रेडियंस लोशन, जो कि बहुत अच्छा लाइट वेट एक फेस लोशन है। ये आप डेली बेसिस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट टाइम में स्पेशली आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ रियली गुड नाइट रिपेयर क्रीम। ये आपके फेस को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, कोलाजन प्रोडक्शन को इम्प्रूव करता है और स्किन को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बनाता है, जिसकी वजह से फाइन लाइन्स और रिंकल्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिड्यूस होते हैं। सो डे टाइम में सनस्क्रीन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट एंड अभी तो समर सीजन है, सनस्क्रीन तो आपको हर टाइम बाहर जा रहे हैं या घर पे है आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है। सो नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग दिस डर्मा शेड SPF 30 सनस्क्रीन, जो लाइट है, वाटर बेस्ड है और एक स्प्रे फॉर्म में आता है, जिसकी वजह से एप्लीकेशन काफ़ी ईजी हो जाता है। सो फेशियल और कंप्लीट मेरा स्किन केयर रूटीन करने के बाद दिस इज़ माय फेस। यू कैन सी ये फेस काफ़ी ज़्यादा क्लियर एंड सॉफ्ट एंड ग्लोइंग लग रही है। आई एम रियली हैप्पी विद दिस रिजल्ट। सो या गाइस, दिस कंप्लीट्स माय फेशियल और आप सनस्क्रीन स्टेप को जरूर अप्लाई करें, सनस्क्रीन स्किप ना करें, चाहे आप घर पर रहे या बाहर जा रहे हैं, सनस्क्रीन इज मस्ट, क्योंकि घर पे भी यूवी रेडिएशन से आपके स्किन पर डैमेज हो सकता है। सो ऑलवेज अप्लाई योर सनस्क्रीन। और या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये जो आज का सैलॉन स्टाइल फेशियल एट होम, वो भी अफोर्डेबल तरीके से, ये आपको अच्छा लगा और वीडियो से हेल्प हुई है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था इस फेशियल किट के साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और यू कैन सी माई फेस इज स्टिल ग्लोइंग एंड काफी ज्यादा फ्रेश फील हो रहा है मुझे एंड माई स्किन इज रियली सेंसिटिव। स्टिल मेरे फेस पर कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं फील हुआ है इसे इस्तेमाल करके। सो डेफिनेटली यू कैन गिव दिस वन ट्राई और आप इस फेशियल किट को 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करें और जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स है जैसे लोशन, सनस्क्रीन, वो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू my channel. Bye.